हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो एक्स 90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपकी कॉल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कॉल की स्क्रीन ना दो तरीकों से ऑफ होती है। अगर उन दो तरीकों के अलावा अगर आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तो ये प्रॉब्लम होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला तरीका ये होता है कि अगर आप अपने कॉल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की ऊपर की साइड अगर आप हाथ से या फिर किसी भी चीज़ से अगर आप अपने फोन को ऊपर की साइड से कवर करते हैं ना, ढक देते हैं, तो इससे आपके फोन की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। नॉर्मली बात है, सभी फोनों में ऐसा होता है क्योंकि हमारे मोबाइल फोन के सबसे ऊपर जो है ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है, जिसकी वजह से हमारे फोन की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ठीक है, कवर करने से। अब दोस्तों दूसरा तरीका यह होता है कि हमारे मोबाइल फोन पर अगर हम कभी भी बात कर रहे होते हैं तो बात करते टाइम अगर हम अपने फोन को अपने कान के पास लेके जाते हैं ना, तो इससे हमारे फोन की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। यह भी सभी फोनों में ऐसा होता है, यह भी नॉर्मल बात है। अगर इन दो रीजन के अलावा अगर आपकी स्क्रीन ऑफ होती है अपने आप, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन है इसे दबा के रखना है। स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है, इससे क्या होगा आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हमारा हैंग करता है, मोबाइल फोन की कॉल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने ये जो कॉलिंग का ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को आपको रीसेट करना है, ठीक है। रीसेट कैसे करेंगे, देखिए इस कॉलिंग के ऐप को ना उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो एक ना पेज ओपन होगा आपका, ये जो है मैं इसे फिर से दबा के रखता हूँ, तो ये देखिए ये वाला छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा उसे टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पर टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, तो नीचे की साइड आपका ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये कॉलिंग का ऐप रीसेट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं, आप कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करना है, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देगा तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आखिरी प्रोसेस करना है क्या है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है, ठीक है। तो रीसेट आपको तभी करना है जब आपको जरूरत लगती है तभी रीसेट करना, अदरवाइज नहीं करना। तो रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल स्क्रीन ऑफ की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए सारे आप यूज करिए तो आपकी कॉल स्क्रीन ऑफ की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना वहाँ पर आपको चले जाना है, जहाँ पर आपके एरिया के आसपास आपके फोन का सर्विस सेंटर होगा वहाँ आपको चले जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने प्रोसेस बताए हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर आपकी कॉल स्क्रीन ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम आपको जो है ना मेरे बताए हुए मेथड के जरिए सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको जो है अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।